मुझे नॉकआउट करने के लिए तोशाखाना केस, ममनुआ फंडिंग केस चलाया जा रहा है, मुखालिफ चैनल्स पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, कोशिश है कि प्रोपेगेंडे के बाद पाबंदी लगा दी जाए और डील की जाए कि अगर इमरान खान से पाबंदी हटाते हैं तो नवाज़ शरीफ जो नाहल हुआ है उस पर भी पाबंदी हटाएं। इमरान खान की जूम कॉन्फ्रेंस के दौरान बातचीत, कहा इनकी प्लानिंग है तहरीक इंसाफ पर सख्ती करो, मेरी आवाज़ को बंद किया जाए, आज के जलसे में डील से मुतालिक मज़ीद बातें बताऊँगा। हॉकी ग्राउंड, सियासत का मैदान, कप्तान एक कमर कसी है, लाहौर में जलसे की तैयारियां उरूज पर हैं, पाकिस्तान समेत दुनिया भर से शुरका पाश लगे हैं। इमरान खान के नेशनल हॉकी स्टेडियम जलसा का आमद, पार्टी के दीगर रहनुमा भी कप्तान के हमरा मौजूद थे, इंतजाम का जायजा लिया, सदउमर के लाहौरियों को जलसे में शिरकत की दावत, कहते हैं कि अवाम इमरान खान के साथ मिलकर जदोजहद की तहरीक चला रहे हैं, इकतदार किसका हो फैसला अवाम ने करना है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, सड़कें ज़ेरे आब, गुलशन इकबाल, गुलशन मैमार, सोहराब गोट, अजीज़ाबाद, एफ बी एरिया, नॉर्थ कराची में मूसलाधार बारिश, सरजानी टाउन से आने वाला सैलाबी रैला यूसुफ गोट में दाखिल हो गया। आला सानवी बोर्ड ने आज होने वाले तमाम इम्तहान मुलतवी कर दिए। आला सानवी तालमी बोर्ड के मुताबिक तमाम मुलतवी शुदा पर्चे अब 24 अगस्त को उन्हीं मराकज पर लिए जाएंगे। अपने मोबाइल फोन्स को हथियार बनाओ, सोच को तलवार बनाओ। 140 मिलियन नौजवानों के पास फोन की शक्ल में कलाशनकोफ है, नौजवानों के सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता, आपको मुल्क के मुस्तकबिल की कमान संभालनी है। शेख रशीद की बोलियों से खुसूसी गुफ्तगू में अवाम को जलसे में शिरकत की दावत, बोले कि इमरान खान का साथ दें, अक्टूबर या नवम्बर में इलेक्शन की पेशगोई भी कर लें। मुल्क की खातिर शहबाज शरीफ और इमरान खान से बात करने को तैयार हूँ, सियासतदानों को अपनी अना ख़त्म करके एक मेज़ पर बैठने की ज़रूरत है, सियासतदानों को हमेशा इदारों पर तनकीद करने से रोका है, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की गवर्नर हाउस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वफाक व सूबों का तनाज़ा मुल्क के लिए ख़तरनाक है, मुल्क के बावजूद मौशी और सियासी हालात के बारे में सबको सोचना होगा। शहबाज गिल का मजीद जिस्मानी रिमांड देने की दरख्वास्त मुस्तरद, अदालत ने जुडिशल रिमांड दे दिया, जिस्मानी रिमांड में तौसी की पुलिस निजस्तानी अपील भी रद्द, नाकाबिले समात करार दे दिया, ऐसा कोई बयान नहीं दिया, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। शहबाज गिल का अदालत में मौकफ, इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं की शहबाज गिल पर तशद्दुद की शदीद मुज़म्मत, ट्वीट में सवाल किया कि किस कानून और किसके हुक्म पर यह किया जा रहा है। हुकुमरान इत्तेहाद के लिए एक और बड़ा सियासी इम्तिहान तैयार, कप्तान कौमी असम्बली के 9 हलकों से मैदान में उतर आए, तमाम हलकों से कागजात नामजद की मुकम्मल, मर्दान NA 22 और 4 सदा NA 24 से इमरान खान के कागजात नामजद की जमा, NA 246 लियारी से कागजात नामजद की आज जमा होंगे। इमरान खान बैक वक्त मर्दान, 4 सदा पेशावर, करम, फैसलाबाद, ननकाना, मलिक, औरंगी और कराची साउथ से मैदान में उतरेंगे। ज़िमनी इंतखाब 25 सितम्बर को मुनक़द किया जाएगा। महंगाई से सताया आवाम को फिर बिजली का झटका, नैप्रा ने बिजली 9.90 रुपये फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी, इजाफा जून के महाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया है, इजाफे का इतलाक सिर्फ अगस्त के बिलों पर होगा, नैप्रा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया, मई का FCA सार्फी से 7.91 रुपये चार्ज किया गया था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।